continue chapter 10. Now today topic is the endocrine glands. What means of the endocrine glands? We studied in previous classes difference between the endocrine gland and the exocrine glands. Endocrine glands, the glands is the ductless. The glands is the ductless. The secretion discharge in the blood. The blood supply the secretion from the target organ. This type of gland is known as the endocrine gland. Means it is the endocrine gland and it is a target organ. This gland secretes the secretion and discharge in the blood vessels. Blood vessels, the vessels in the flow of blood. The blood supply the discharge from the target organ. Target organ. This type of gland is known as the endocrine gland and the secretion. And the secretion is known as the hormone. Secretion in known and the hormone. Hormone. A protein chemical substance, a protein like chemical substance, secrete a chemical like protein substance secrete by the endocrine gland, known as the hormones. Hormones control the many function in animal body. Some endocrine glands are first is the pituitary gland. Thyroid gland, adrenal gland, pancreas, ovary, testes, and the other some gland, but in your chapters only study the pituitary, thyroid, adrenal gland, pancreas, ovary and testes. So first of all we study the pituitary gland and related hormones and related to functions. Pituitary gland situated in the human body. Skull part of human. This is skull part of human. ठीक है. The forebrain, this part of skull situated the brain nearest to the forebrain situated a gland. This gland is known as the pituitary gland. This is known as the pituitary gland. देखिए अपना स्कल वाला जो पार्ट है, स्कल वाले पार्ट के अंदर क्या सिचुएटेड होता है, ब्रेन सिचुएटेड होता है. स्कल में ब्रेन है और ब्रेन का एक पार्ट होता है फोर ब्रेन. जो आगे वाला हिस्सा है अपना, ये यहाँ पे क्या होता है, फोर ब्रेन होता है और इसी में क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है. जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, इट इज ए एंडोक्राइन ग्लैंड टू सीक्रेट द हार्मोन. द मेन हार्मोन सीक्रेट बाई द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉन एज द ग्रोथ हार्मोन. पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, इसका मेन हार्मोन कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है.
जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये हुमन की हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या फंक्शंस होगा? रेगुलेट द हाइट ऑफ द एनिमल्स, यानी अपनी जो हाइट है उस हाइट से रिलेटेड हार्मोन्स कौन सा होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। आप याद रखोगे ग्रोथ हार्मोन को कौन सिक्रेट करती है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करती है? सिक्रेट करती है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए, अगर मान लीजिए जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसका लेवल क्या हो जाए? हाई हो जाए, मोर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट के, तो हाइट क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी ना, तो यानी कि वो बहुत लंबा दिखाई देगा, तब अपन इसको बोलते हैं गैंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट होगा तो हाइट ज्यादा हो जाएगी, तब क्या बोला जाएगा? गैंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन कम है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हुआ है तो हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तब इसको बोलेंगे ड्वार्फिज्म। तो आप ये बातें ध्यान में रखोगे। एक एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो क्या सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। मोर द ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड टू हाइट ऑफ द एनिमल। देखिए ये जो ग्लैंड यहाँ है ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करेगी। ग्रोथ हार्मोन किसको देगी? ये ब्लड को देगी, और ब्लड उस ग्रोथ हार्मोन को अपने कंप्लीट बॉडी में लेके जाएगी, अपने हैंड्स लेग्स सभी इंक्रीज होंगे ना। अब आपने ये भी देखा होगा कि अपने जो हैंड्स है लेग्स है बॉडी है वो इक्वली ग्रो नहीं करती है ना, अपने कुछ पार्ट छोटे कुछ पार्ट बड़े, तो ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ग्रोथ हार्मोन्स की होती है। ब्लड ग्रोथ हार्मोन्स को टारगेट पार्ट तक पहुंचा देते हैं, उसकी हाइट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, वो पार्ट अपना ग्रो कर जाता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तब तो हाइट ज्यादा हो जाएगी, तब गैंटिज्म बोलेंगे। ग्रोथ हार्मोन कम है तो हाइट कम हो जाएगी, ड्वार्फिज्म बोलेंगे। इतनी बात क्लियर होगी ना? अब देखिए अभी मैंने कुछ और ग्लैंड्स बताई थी आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड बताई थी ना, तो इन सब ग्लैंड पे कंट्रोल कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। पिट्यूटरी जो थायराइड ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड इन सब पे कंट्रोल करती है, इसलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रेट करती है उसके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। आप ध्यान में रखिएगा हार्मोन्स का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में फंक्शंस को रेगुलेट करना, या तो उस फंक्शंस को बंद करवा देते हैं या उस फंक्शंस को बढ़ा देते हैं, उसको रेगुलेट करना बोलते हैं। रेगुलेट में दोनों ही आते हैं, या तो काम करना या काम को बंद करवा देना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड अदर जो ग्लैंड पे कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड बिकॉज दिस ग्लैंड कंट्रोल द ऑल मेनी ग्लैंड। याद रह जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट मैं बात करती। देखिए अपना ये जो थोट वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं अलग बना देती हूँ। अपना जो थोट वाला जो पार्ट होगा, इस थोट वाले पार्ट में यहाँ पर एक ग्लैंड होती है। ये वाला जो पार्ट ना अपना थोट, यहाँ पे देखिए यहाँ एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को अपन बोलते हैं थायरॉइड ग्लैंड। देखिए एक मिनट में थोड़ा सा ऐसे बना के दिखा दूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ऐसे एक पार्ट ये, ऐसे यहाँ पे एक था ग्लैंड होती है, एक लोब ये रही एक पार्ट ये रहा, दोनों साइड में मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो इस ग्लैंड को बोलते हैं थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड बोला जाता है। तो थोट वाले रीजन में अपनी जो ट्रेकिया है श्वास नली है इसके दोनों साइड में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उस ग्लैंड को क्या बोला जाता है? थायरॉइड ग्लैंड बोला जाता है। अब ये जो थायरॉइड जो ग्लैंड है ना, अब देखिए क्या सिक्रेट करेगी? ये जिस हार्मोन को सिक्रेट करेगी उस हार्मोन को बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, थायरॉइड ग्लैंड सिक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, देखिए ग्लैंड का नाम है
थायराइड ग्लैंड, थोट वाले रीजन में थायराइड ग्लैंड थोट, थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड द थोट रीजन टू सीक्रेट द थायरोक्सिन, तो टीटीटी हो गया ना, टी वर्ड से रिलेटेड है, थोरेक्स यानी थोट, थोट में थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन देखिए, थायरोक्सिन जो हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो अपने जो नेक रीजन है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन्स द नेक रीजन बिकम स्वेल, दिस इज नोन एज द गोइटर डिजीज। इस डिजीज को क्या बोलेंगे, गोइटर डिजीज बोलेंगे। तो आप ध्यान में रखोगे कि गोइटर डिजीज क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ द डेफिशिएंसी यानी कमी को बोलते हैं अपन, डेफिशिएंसी ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन नेक रीजन बिकम स्वेल या इनलार्ज ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड का आकार बड़ा हो जाता है, नेक रीजन बिकम स्वेल इज नोन एज द गोइटर डिजीज, नोन एज द गोइटर डिजीज। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स थायरॉइड ग्लैंड इनलार्ज, थायरॉइड ग्लैंड इनलार्ज स्वेल द नेक रीजन, स्वेल द नेक रीजन, दिस इज नोन एज द गोइटर डिजीज। अब देखिए थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगी तो इसके लिए एक मिनरल्स चाहिए जिसका नाम होता है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। आयोडीन कहाँ होता है, हमारे साल्ट में होता है आयोडीन। तो आयोडीन कहाँ होगा, साल्ट में होगा। तो सिक्रेट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं करेगी, और थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो नेक थॉट रीजन के अंदर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन होने लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। तो टू ग्लैंड्स कंप्लीट की अपन ने, एक ग्लैंड्स तो कौन सी किए, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड किए जो कहाँ है, फोर ब्रेन के पास में, नियरस्ट टू द फोर ब्रेन, रिलेटेड हार्मोन्स टू सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट द हाइट ऑफ द एनिमल, हाइट ऑफ द एनिमल्स, द मोर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट मोर हाइट, दिस इज नोन एज द गैंटिज्म। इफ द ग्रोथ हार्मोन लेस सीक्रेट हाइट लेस, नोन एज द dwarfism, known as the dwarfism. Pituitary gland is known as the master gland. The second is the thyroid gland. This is the thought, both side of the throat या both side of the trachea, जिसको अपन श्वास नली बोलते हैं, विंड पाइप भी बोल सकते हो, विंड पाइप के दोनों साइड में होती है, ठीक है। इसके फंक्शन करने के लिए आयोडीन की रिक्वायर्ड है, टू सीक्रेट द थायरोक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, गोइटर डिजीज हो जाती है। अब वैसे आपके दे तो नहीं रखा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसे थायरोक्सिन हार्मोन्स है, इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस है, हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन्स क्या करेगा, देखिए एक तो हमारी बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनका मेटाबॉलिज्म करता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी इनको डाइजेस्ट करवा देगा, एनर्जी बनवाने में हेल्प कर देगा, डाइजेस्ट करवाएगा, एनर्जी बनवाएगा, फिर एनर्जी का क्या काम है, इन सबको रेगुलेट कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स करता है। एक हमारी बॉडी में ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्पफुल है, आरबीसी फॉर्मेशन हेल्प करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में। अब देखिए मेटाबॉलिज्म का क्या मीन्स हुआ, मेटाबॉलिज्म में आप एक तो बताओगे कॉम्प्लेक्स जो पार्टिकल्स है वो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या मीन्स हुआ, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट पार्टिकल्स,
और जो सिंपलेस्ट पार्टिकल्स है, सिंपलेस्ट पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे देखिए, अपन ने फूड लिया, वो कॉम्प्लेक्स था, उसका डाइजेशन हो गया, उससे एनर्जी बन गई, तो वो तो कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट हो गया। अब जो एनर्जी हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, अलग अलग काम कर रही है, वो हो गया सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बना। इन दोनों को रेगुलेट कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। कौन करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन करेगा। आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प भी कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। एक देखिए, अपन ने पीछे वाले चैप्टर के अंदर ये किया था कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में, फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं, तो टेडपोल जो लार्वा है उसमें भी अगर वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो किसकी जरूरत होगी? थायरोक्सिन हार्मोन की जरूरत होगी। ये वापस भी करेंगे अपनी स्टडी, इस टॉपिक, ये टॉपिक वापस भी आएगा, बट यहाँ पर भी आप समझ जाना कि अगर फ्रॉग की बात आती है तो फ्रॉग के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? फ्रॉग का जो लार्वा है, फ्रॉग का जो लार्वा है वो कौन सा होता है? टेडपोल लार्वा होता है। क्या बोलते हैं? टेडपोल लार्वा। तो टेडपोल जो लार्वा है उसको एडल्ट में कन्वर्ट के लिए भी क्या चाहिए? थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको पर वो मेटामोर्फोसिस बोलते हैं, द लार्वा कन्वर्ट इनटू द एडल्ट हेल्प ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन्स, तो वहां पर भी इसकी जरूरत होती है। तो मेटामोर्फोसिस के लिए भी थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। आज अपन ने टू ग्लैंड की स्टडी की है, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, आप सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे कि टॉपिक समझ में आ गया है क्या, और सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे कि टॉपिक समझ में आ गया। पोजीशन ध्यान में रखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? फोरहेड में होती है, और थायरॉइड ग्लैंड कहाँ होती है? विंड पाइप के दोनों साइड में होती है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास इतनी थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट जो ग्लैंड बच गई है हमारी, जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, टेस्टिस, ओवरी, इससे रिलेटेड हार्मोन्स, उनके फंक्शंस देखेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने।